सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेल की प्रिपरेशन के बारे में। तो अभी तक जो अपने यूट्यूब चैनल पे जो मैं एटलीस्ट 18 पार्ट्स जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, और आज की जो वीडियो इसमें हम सेल का जो है पार्ट नंबर 19 लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो है इस पार्ट को लाने में मैं थोड़ा डिले कर गया, थोड़ा काम होने की वजह से जो है मैं वीडियो जो है नहीं बना पा रहा था। तो टाइम निकाल के जो है फिर ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं कि बच्चे वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो इसी वीडियो में जो मैंने एक और मैंने जो है पार्ट ऐड कर लिया है वो ये है कि मुझसे जो है एक दो बच्चे ने पूछा था कि सर जो सेल में ऑपरेटर कम टेक्निशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप थोड़ा जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताइए कि जो सेल में जो इंस्ट्रूमेंटेशन किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन के जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी मैं इस वीडियो में जो है आपके सामने लेके आऊं। तो जो बच्चे जो इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं और अगर उन्होंने जो अभी तक नहीं देखा कि भाई सेल में जो है किस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो वो इस वीडियो को वॉच करके जो है देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो इंस्ट्रूमेंटेशन से जो है टेक्निकली किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। बाकी मैकेनिकल और फिटर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है मैं रेगुलरली वीडियो हर लेके आ ही रहा हूं और वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन जो कर ही रहे हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख लें, तो इसमें जो है आपको आगे जाके वीडियो में जो इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, तो इसी वीडियो में हम जो आगे जो है पहले हम ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज में आपका जो मैकेनिकल मेटलर्जी प्रोडक्शन के जो कैंडिडेट्स उनके लिए हम क्वेश्चंस को लेंगे, फिर उसके बाद हम अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के जो फिटर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस लेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के जो है वो क्वेश्चंस को हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और वन बाय वन हम जो है सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और जो मेरी वेबसाइट है वो है www.learnengineers.com। ठीक है, आपको दिखाई दे रही है मेरी वेबसाइट, तो आपको मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो उसमें हम स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे, तो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरी वेबसाइट पे जो एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसपे कि मैं एक जो है ये आपको एक प्राइज है जो कि मैं गिफ्ट में दे रहा हूं अपने किसी एक सब्सक्राइबर को। तो 5 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। आप इसमें अगर क्विज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें जिससे कि मैं अपने एक बेस्ट सब्सक्राइबर को जो है प्राइज दे सकूं। तो आप लोग भी जो है इस कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसमें कि आपको आंसर देना है अपना कमेंट में, तो आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। ओके, 5 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है, और 8 मार्च को जो है इसका मैं रिजल्ट जो है अनाउंस करूंगा। बाकी इसकी डिटेल आप इस पोस्ट में अंदर जाके इसकी डिटेल आप देख सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे आपने इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है। ओके, चलिए जैसे आप इस पोस्ट के नीचे जाएंगे तो आपको जो है सेल का जो है पार्ट 19 आपको मिलेगा। आपने इस इमेज पे जो है क्लिक करना है, तो जैसे आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे नई विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें फिर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले जो है मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो दिए मैंने आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटलर्जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि सेल में पहले पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने वो ये है कि टू ट्रांसमिट पावर इन आइदर डायरेक्शन वी यूज। तो मतलब हम जो है अगर पावर को जो है किसी भी डायरेक्शन में अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो इनमें से कौन सी थ्रेड का जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिए ऑप्शन दिए एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड और आपका बटरस थ्रेड। तो जिस थ्रेड का हम यूज करेंगे उसका नाम है आपका स्क्वायर थ्रेड। तो राइट आंसर इज बी। ओके,
हम जो यूज करेंगे इसमें स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू हम लेंगे। इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टेस्ट पेंसिल, इनमें से जो है कौन सी पेंसिल जो है सबसे सॉफ्ट है, 2B, 1B, HB, H। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल जो हमारी वो है 2B, राइट आंसर इज ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है जो कि फ्लूड मैकेनिक से पूछा गया है, इफ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 द फ्लो इन ए पाइप इज, अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है 2000 से कम रहता है लिक्विड का, तो फ्लो का जो रेनॉल्ड नंबर है 2000 से अगर कम रहेगा, तो जो कि लिक्विड हमारा पाइप से फ्लो हो रहा है, तो वो कौन सा फ्लो कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है तो वो हमारा लेमिनार फ्लो कहलाएगा, तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर लेंगे हम, द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हम कह सकते हैं ये हमारा जो अप्लाइड मैकेनिक्स से है, या फिर आपका थ्योरी ऑफ मशीन में भी रहा है फ्रिक्शन का चैप्टर, और जो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो ये जो रेशियो है हमारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो जो रेशियो है हमारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, तो राइट आंसर इज ए। ओके, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, ग्राइंडिंग इज कॉमनली यूज्ड ऑन, तो ग्राइंडिंग जो है हम कौन इनमें से कौन से ये मटेरियल के ऊपर जो हम कॉमनली यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर, ब्रास के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, या फिर कास्ट आयरन के ऊपर। तो ग्राइंडिंग का जो हम कॉमनली यूज करते हैं, हम करते हैं कास्ट आयरन के ऊपर, तो राइट आंसर इज डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल क्लच, इनमें से कौन सा जो है फ्रिक्शनल क्लच का एग्जाम्पल है। तो जो ऑप्शन दिए वो हमारे सामने है, डिस्क, कोन, प्लेट, ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है हमारे फ्रिक्शनल क्लच के या फ्रिक्शन क्लच के जो है एग्जाम्पल हैं, तो राइट आंसर इज डी। इस वक्त क्वेश्चन नंबर सेवन लेते हैं हम, जो कि हमारा थर्मल इंजीनियरिंग में बॉयलर के चैप्टर से लिया गया है, इन्हें फायर ट्यूब बॉयलर प्रेशर इज लिमिटेड टू, जो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें मतलब कितने प्रेशर तक जो है हम स्टीम जनरेट कर सकते हैं, 16 bar, 32 bar, 48 bar, 64 bar, तो राइट आंसर इज ए, 16 bar। इस वक्त क्वेश्चन नंबर एट, इफ स्टीम वाटर कंटेन इज 5%, अगर स्टीम जो है 5% वाटर की कंटेंट रखती है, तो इट्स ड्राइनेस फ्रिक्शन कितनी होगी, 95%, 0%, 5%, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अगर स्टीम जो है 5% वाटर की कंटेंट रखती है, तो ड्राइनेस फ्रिक्शन जो है वो 95% होगी, तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, the use of coating on milling cutters will increase the dash of the tool, अगर हम जो है मतलब अगर यूज करते हैं मिलिंग कटर के ऊपर जो है कोटिंग, या हम मिलिंग कटर के ऊपर कोटिंग यूज करते हैं, तो उससे मतलब इनमें से कौन सी जो है मतलब प्रॉपर्टी जो है टूल की वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो उसमें ऑप्शन है आपका सरफेस हार्डनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, सरफेस फिनिश, मेल्टिंग पॉइंट। तो मिलिंग कटर के ऊपर जो कोटिंग यूज करने से जो है सरफेस हार्डनेस जो है टूल की वो बढ़ जाती है, तो इसलिए राइट आंसर जो है हमारा वो है ए, सरफेस हार्डनेस। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कम्बस्टन इंजन, इनमें से कौन सा ऐसा इंजन है जो कि इंटरनल कम्बस्टन इंजन नहीं है, गैस इंजन, वंकल इंजन, जेट इंजन, स्टर्लिंग इंजन। तो जो हमारा स्टर्लिंग इंजन है वो इंटरनल कम्बस्टन इंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा डी।
इसके बाद जो है मैंने फिटर के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज में, फिटर के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि आपके सामने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, थ्रेड रिंग गेज आर यूज्ड चेक एक्सटर्नल थ्रेड, जो हमारा थ्रेड रिंग गेजेस हैं वो यूज किए जाते हैं एक्सटर्नल थ्रेड्स को मेजर करने के लिए, सेपरेट गो एंड नोट गो गेजिंग मेंबर आर प्रोवाइड, क्योंकि उसमें जो है हमारे दो तरह के गेजिंग मेंबर लगे होते हैं गो और नोट गो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड एलिमेंट इज नॉट चेक्ड विद द रिंग गेज। तो मतलब इसमें जो है मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है स्क्रू थ्रेड का, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हम रिंग गेज से जो है मेजर नहीं कर सकते हैं, कैसे या फिर हम कह सकते हैं स्क्रू थ्रेड का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हम थ्रेड रिंग गेज से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं पिच, हेलिक्स एंगल, प्रोफाइल, पिच डायमीटर। तो स्क्रू थ्रेड का वो एलिमेंट जो कि हम थ्रेड रिंग गेज से मेजर नहीं कर सकते हैं उसका नाम है हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल को जो है हम थ्रेड रिंग गेज से मेजर नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, द टूथ थिकनेस ऑफ रैक इज मेजर्ड बाय, जो गेयर का जो टूथ है उसकी थिकनेस है उसको हम इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर, गेयर टूथ वर्नियर कैलिपर, फ्लेंज माइक्रोमीटर, गेयर टेस्टर। तो राइट आंसर इज बी, गेयर टूथ वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है हम गेयर के टूथ की थिकनेस को हम मेजर कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री, यू हैव टू मशीन ए फ्लैट सरफेस ऑन ए वर्क पीस ऑफ 2 मीटर्स लेंथ, विच मशीन विल यू चूज फॉर दिस। अगर हमको मतलब जो है वर्क पीस के ऊपर जो है 2 मीटर लेंथ पे अगर हमको सरफेस उसकी जो फ्लैट करनी है, फ्लैट सरफेस को अगर हम उसकी मेजर कर रहा है या हम कहते हैं मशीन की हुई 2 मीटर लेंथ की जो फ्लैट सरफेस है वर्क पीस को उसको मेजर करने के लिए कौन सी मशीन का यूज करेंगे, प्लानिंग, स्लॉटिंग, मिलिंग, शेपिंग। तो राइट आंसर इज ए, प्लानिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, ऑयल ग्रूव्स आर टू बी कट इन ब्रास हाफ बियरिंग, जो हमारा ब्रास हाफ बियरिंग है उसमें ऑयल ग्रूव्स कटे हुए होते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज सुटेबल। तो जो ऑयल ग्रूव्स बनते हैं वो इनमें से कौन सी चीजल के द्वारा बनाए जाते हैं, फ्लैट चीजल, क्रॉस चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल या वेब चीजल। तो जो हमारी ब्रास हाफ बियरिंग है उसमें जो ऑयल ग्रूव्स कटे होते हैं वो हमारे हाफ राउंड नोज चीजल के थ्रू बनाए जाते हैं, तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव, इनमें से कौन सा जो है एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव है जो कि हमारे द्वारा बनाया गया है, तो वह हमारा है सिलिकॉन कार्बाइड, तो राइट आंसर इज डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुटेबल ओनली फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। तो मतलब इनमें से कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करती है, वो मिलिंग प्रोफाइल, टर्निंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग। तो राइट आंसर इज सी, ड्रिलिंग वो ऑपरेशन है, वो एप्लीकेशन है जो कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम की फॉलो करती है, तो राइट आंसर इज सी, ड्रिलिंग। क्वेश्चन नंबर सेवन, द टूल पोस्ट ऑफ ए प्लानिंग मशीन इज माउंटेड ऑन, जो टूल पोस्ट है प्लानिंग मशीन का वो प्लानिंग मशीन पे कहां पर लगा हुआ होता है, एप्रन पर, क्रॉस रेल पर, क्लैपर बॉक्स पर या सैडल पर। तो राइट आंसर इज सी, क्लैपर बॉक्स। तो टूल पोस्ट जो है प्लानिंग मशीन इन पर जो है क्लैपर बॉक्स पर माउंटेड होता है, तो राइट आंसर इज सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, इंडेक्सिंग हेड मशीन मैकेनिज्म वर्क्स विद, जो हमारा इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म है जो कि हमारा जो है गियर बनाने का काम करती है, वो मतलब कौन से मैकेनिज्म पे डिपेंड है, वॉर्म एंड वॉर्म गियर, रैक एंड गियर, वॉर्म एंड वॉर्म गियर, टू हेलिकल गियर या फिर टू बेवल गियर। तो राइट आंसर इज बी, वॉर्म एंड वॉर्म गियर। क्वेश्चन नंबर नाइन,
विच गियर अरेंजमेंट यूज टू चेंज द सर्कुलर मोशन ऑफ हॉरिजेंटल टू वर्टिकल विदाउट चेंज इन स्पीड रेशियो। मतलब इनमें से कौन सा गियर अरेंजमेंट ऐसा है जो कि सर्कुलर हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चेंज करने का काम करता है बिना स्पीड रेशियो को चेंज किए। तो इसमें टू स्पर गियर, टू हेलिकल गियर, टू बेवल गियर, वॉर्म एंड वॉर्म गियर। तो वो जो अरेंजमेंट है हमारे गियर का जो कि हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चेंज करने का काम करता है बिना चेंज किए स्पीड रेशियो को, तो वो है हमारा टू बेवल गियर अरेंजमेंट। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एन इरेगुलर शेप्ड वर्क पीस इज टर्न्ड ऑन ए लेथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग एसेसरीज इज यूज्ड। तो हमारी लेथ मशीन के ऊपर अगर हम कोई इरेगुलर शेप का वर्क पीस जो है बांधते हैं टर्निंग ऑपरेशन के लिए, तो इनमें से कौन सी एसेसरीज का हमको यूज करना होगा जो कि उसको होल्डिंग का काम करे। थ्री जा चक, टू जा चक, ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट। तो एक रेगुलर शेप वर्क पीस को अगर हमको लेथ मशीन पे टर्न करना है तो उसकी होल्डिंग करने के लिए हम जो है फेस प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर है हमारा डी। इसके बाद जो है मैंने फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के जो है प्रीवियस ईयर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मुझसे एक दो बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर सेल के इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएं। तो वो क्वेश्चंस जो है मैं आपके सामने लेके आऊं जो इंस्ट्रूमेंटेशन से बच्चे सेल में अप्लाई कर किया है जिन्होंने और जो कि सेल में एग्जाम देंगे, तो उनके लिए क्वेश्चंस ये हैं जो कि सेल में पहले पूछे गए हैं। ए डीसी वाट मीटर जो एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा डीसी वाट मीटर है वो एसेंशियली मतलब क्या रखता है, किसको कंसिस्ट करता है? टू एमीटर्स को, टू वोल्ट मीटर्स को, ए वोल्ट मीटर एंड एन एमीटर, ए करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो जो हमारा डीसी वाट मीटर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, इसमें अगर देखें क्या दो ऐसे मेन एंड वो लगे हुए होते हैं, तो एक वोल्ट मीटर होता है, एक हमारा एमीटर होता है। तो राइट आंसर इज सी। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर टू है द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग कैन बी इजिली मेजर्ड विद। जो हमारे ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग की जो इंसुलेटिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको हम जो है इजिली मेजर्ड कर सकते हैं किसके साथ, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, मेगर के साथ, कैल्विन ब्रिज के साथ, वोल्ट मीटर के साथ। तो मेगर की हेल्प से जो है हम ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, द रेजिस्टेंस ऑफ ए फील्ड कोयल मे बी करेक्टली मेजर्ड बाय यूजिंग। तो जो हमारी फील्ड कोयल जो रेजिस्टेंस है उसको हम एक्यूरेट करेक्टली मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, ए वोल्ट मीटर एंड एन एमीटर, स्टीयरिंग ब्रिज, ए कैल्विन डबल ब्रिज, ए मैक्सवेल ब्रिज। तो हम जो है मतलब ए वोल्ट मीटर और एक एमीटर की मदद से जो है हम फील्ड कोयल के रेजिस्टेंस को जो है करेक्टली मेजर कर सकते हैं। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर फोर, ए पावर फैक्टर मीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो पावर फैक्टर मीटर है वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो थर्मो टाइप इंस्ट्रूमेंट या फिर रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारा पावर फैक्टर मीटर है वो इनमें से जो है हमारा जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, ए पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर इज यूज्ड फॉर। जो हमारा पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर वो यूज करता है किसके लिए, एसी सिग्नल्स के लिए, डी सिग्नल्स के लिए, टाइम वेरिंग सिग्नल्स के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज डी, इनमें से किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लीकेज फ्लक्स इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेजर्ड बाय। जो लीकेज फ्लक्स है इलेक्ट्रिकल मशीन का वो इनमें से किसके द्वारा जो है मेजर किया जाता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, फ्लक्स मीटर, आइदर ए और बी, या वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। तो
जो लीकेज फ्लक्स है इलेक्ट्रिकल मशीन का वो मेजर किया जाता है। या तो हम ब्लास्टिक गैलोनोमीटर का यूज कर सकते हैं, फिर फ्लक्स मीटर का यूज कर सकते हैं लीकेज फ्लक्स को मेजर करने के लिए। तो राइट आंसर इज सी, आइदर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7, ए सीआरओ इज यूज टू इंडिकेट, जो सीआरओ है उसका यूज किया जाता है इनमें से किसको इंडिकेट करने के लिए, सप्लाई वेव फॉर्म को, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज को, या बीएच लूप को, या इन सभी को। तो जो सीआरओ है उसका यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए इन सभी को। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टोर्शन कैन बी मेजर्ड बाय, जो डिस्टोर्शन है उसको हम मेजर कर सकते हैं किसके द्वारा, वेव मीटर के द्वारा, डिजिटल फिल्टर के द्वारा, विंग ब्रिज का राइट सर्किट के द्वारा, या फिर ब्रिज टी फिल्टर के सर्किट के द्वारा। तो जो डिस्टोर्शन है उसको मेजर कर सकते हैं वेव मीटर के द्वारा। तो राइट आंसर इज ए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन नॉट कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, डायोड, कन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, मरकरी, आर्क रेक्टिफायर। तो राइट आंसर इज सी, जो ट्रांसफार्मर जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता एसी को डीसी में। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, ए डिवाइस दैट चेंज वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर इज कॉल्ड, तो वो डिवाइस इनमें से कौन सी है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इसमें रियोस्टेट, ऑसिलेटर, ट्रांसड्यूसर, या वारी कैप। तो जो डिवाइस है वो हमारा ट्रांसड्यूसर है। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद आप नीचे देखेंगे इन सभी की जो है मैंने आंसर की दी हुई है, तो आप आंसर की भी देख सकते हैं इन सब की। उसके बाद अगर आप इसमें और नीचे जाएंगे तो मैंने रेफरेंस लिंक दिए हुए हैं। तो ये तो मेरा जो क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। और अगर आप इसमें नीचे जाएंगे और तो आपको मेरे टोटल जो 18 पार्ट हैं सेल की प्रिपरेशन के लिए उन सभी के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिससे कि आपने अगर अभी तक मेरे प्रीवियस 18 पार्ट्स नहीं देखे हैं सेल के तो आप उनको भी देख सकते हैं। इन सभी में जो है मैकेनिकल के, मेटलर्जी के, प्रोडक्शन के, कुछ में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो इन पार्ट्स को भी आप देख लिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। ओके, तो आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के इन क्वेश्चंस को जो अच्छे से स्टडी और कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल का पार्ट नंबर 19। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो इन क्वेश्चंस की माध्यम से जो मैं कुछ हेल्प और सपोर्ट आपको कर पाया हूंगा। तो और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि नॉन टेक्निकल पार्ट, जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो है सेल में जो जो पूछे गए हैं सभी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के कैंडिडेट से, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखू नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को, और आईटीआई के भी जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो और नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश यही है कि टेक्निकल पार्ट्स तो काफी हो गए हैं, नॉन टेक्निकल पार्ट्स मैं कम ही ला पाया था, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस हो, आपका इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, आपका करंट अफेयर हो, और आपका अर्थमेटिक हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन जो सेल में पूछे गए हैं उनको मैं आपके सामने रखूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।